हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ब्यूटीफुल आई मेकअप। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लाइट पर्पल आई शेडो लिया है एंड इसको आपको क्रीज के ऊपर अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर देना है प्रॉपरली, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एंड ये आई मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। गाइस आई मेकअप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम लेंगे लाइट पिंक आई शेडो, इसको आपको उसी के ऊपर अप्लाई करके मर्ज कर देना है प्रॉपर ब्लेंडिंग की हेल्प से। एंड ब्लेंडिंग ब्रश आपको पता ही होगा कि कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ब्लेंडिंग ब्रश की वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। दूसरी साइड भी मैंने जो लाइट पर्पल आई शेडो था वो मैंने ले लिया था और अच्छे से इसको अप्लाई करके ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लाइट पिंक आई शेडो लिया था एंड उसको भी इसके ऊपर मर्ज करके इसको अप्लाई करके इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम लेंगे ब्लैक आई शेडो एंड ब्लैक आई शेडो को आपको कॉर्नर टू कॉर्नर क्रीज के ऊपर अप्लाई करके इसको प्रॉपर ब्लेंड कर देना है। मैंने एक पेंसिल वाला ब्रश लिया था और उससे मैं क्रीज पर अप्लाई करके ब्लेंड कर रहा हूँ प्रॉपर। उसके बाद मैं लूँगा एक फ्लफी ब्रश जो कि ब्लेंडिंग ब्रश होता है, उसको मैं लूँगा पिंक आई शेडो और उससे ही मैं उसको ब्लेंड कर दूँगा प्रॉपर। ऐसे ही सेम मैंने दूसरी साइड भी ब्लैक आई शेडो लिया है, इसको भी मैं क्रीज के ऊपर अप्लाई करके इसको शेप से अकॉर्डिंग मैं इसको प्रॉपर ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग आप मेरी देख सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर भी जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसको पिंक आई शेडो से अप्लाई करके ब्लेंड कर रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं वैसे ही। अब हम लेंगे ईयरबड्स और उसको हम कट करके जो हमने आईज किया है, क्योंकि हमें ये हाफ कट क्रीज करनी है तो ये इस बड्स की हेल्प से बहुत अच्छे से कट हो जाता है। सेम हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही सेम कट करना है, यही वाली शेप देनी है आपको, सेम शेप देनी है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लेंगे कंसीलर और एक फ्लैट ब्रश, उसको हम अच्छे से कट करेंगे जो हमने बड से हमने कट किया था। इससे हम फिनिशिंग देंगे, जो भी हमारी इसमें कमियां हैं उसको पूरा करेंगे फिनिशिंग के साथ। दूसरी साइड भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ करेंगे। और उसके बाद हम कॉर्नर टू कॉर्नर इसको ब्लेंड करेंगे ताकि जो हम कोई भी इसमें आई शेडो इसमें अप्लाई करें तो वो अलग से ना दिखें, ठीक है। इसको ब्लेंड करने के बाद हम ब्लैक आई शेडो लेंगे, उसके बाद कॉर्नर टू कॉर्नर इसको अप्लाई कर देंगे और ब्लेंड कर देंगे जो हमने कट किया था वो एरिया, ठीक है। उसके बाद पिंक आई शेडो से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको भी अप्लाई करके मर्ज कर देंगे। दूसरी साइड भी हम यही प्रोसेस करेंगे सेम। उसके बाद हम पिंक शिमर लेंगे और उससे हम जो लिट एरिया है उस पर अप्लाई करेंगे और अच्छे से आपको हाफ में अप्लाई करना है। दूसरी साइड भी हम लिट एरिया पे 50% अप्लाई करेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे शिमर को। एक हमें व्हाइट हाइलाइटर लेना है जो हम बोन पे यूज करते हैं, उसको आपको जो हाफ बचा था हमारा लिट एरिया का उस पर हमें अप्लाई कर देना है एंड इसको प्रॉपर ब्लेंड कर देना है। दूसरी साइड भी हम यही प्रोसेस करेंगे, अप्लाई करके ब्लेंड कर देना है ताकि कोई भी चीज़ विजिबल ना हो। उसके बाद अंडर आइज के नीचे हम पिंक आई शेडो देंगे और अच्छे से इसको प्रॉपर ब्लेंड कर देंगे। दूसरी साइड भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, पिंक आई शेडो लगा के इसको प्रॉपर ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम ब्लैक आई शेडो लेंगे और जो पतला सा फ्लैट ब्रश होता है उससे हम वाटर लाइन पर अप्लाई करेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। तो सेम हमें दूसरी साइड भी यही प्रोसेस करना है और यही वाली प्रोसेस आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बस आपको वैसे ही करना है। आई मेकअप आपका डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे और लाइनर आपको अच्छे से अप्लाई करना है, फिनिशिंग के साथ लाइनर को लगाना है। ये हमारा लाइनर कंप्लीट हो गया है। सेम हमें दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही लाइनर लगाना है फिनिशिंग के साथ।
बाद हम नोज कॉन्टोरिंग करेंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप सेम वैसे ही कर सकते हैं डमी पर, और कॉर्नर टू कॉर्नर भी कर देंगे। उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड हमें नीचे की तरफ करना है ताकि हमारा जो कॉन्टोरिंग है वो अच्छा आए। अभी हमने कॉर्नर टू कॉर्नर कर दिया है प्रॉपर। उसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे, एंड हाइलाइटर आपको ऊपर से स्टार्ट करना है और आपको नीचे की तरफ स्लोली स्लोली लेके आना है। उसके बाद कॉर्नर टू कॉर्नर भी अप्लाई कर देंगे हाइलाइटर। अब हम लगाएंगे लैशेस, और लैशेस लगाने के बाद हमारा देखो गाइज आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, और कितना ब्यूटीफुल आई मेकअप आया है। सो प्लीज गाइज मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरा आई मेकअप कैसा लगा, और आपको कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए वो मैं आपको लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।